बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज के दोस्तों जो अमल है ये बड़ा बाबरकत और बाकमाल अमल है, ये सूरत फातिहा का अमल है। ये मुजरब अमल है और ये मुख्तसर कोई 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये वजीफ़ा हो जाएगा। सिर्फ इसको एक दिन ही करना है। दोस्तों सूरत फातिहा की बड़ी तासीर है, बड़ी बरकतें बयान की गई। इस सूरत फातिहा के अमल से आपके तमाम रंजो अलम, जहनी कर्ब, जहनी परेशानियां, माली परेशानियां, रिज्क की तंगी के मसाइल, वो सारे मसाइल के लिए आज का मुजरब अमल काफ़ी है। अमल का तरीका समाप्त करने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमल का तरीका ये है कि अव्वल आखिर 11-11 मरतबा कोई से भी दरूद पाक पढ़ें और सूरत फातिहा को पढ़ें। जब आप इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन पर पहुँचें तो इसको 11 मरतबा पढ़कर फिर आगे इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम से आगे सूरत फातिहा को मुकम्मल करें, फिर दूसरी बार सूरत फातिहा पढ़ें। जब आप इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन पे पहुँचे तो इस आयत को 11 बार पढ़ें, फिर आगे सूरत को मुकम्मल करें, फिर तीसरी दफ़ा फिर सूरत फातिहा शुरू करें। जब इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन पे पहुँचे तो 11 बार फिर आगे इस सूरत को मुकम्मल करें। इस तरतीब से 11 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ें, फिर आखिर में 11 बार दुरूद पाक वही जो शुरू में पढ़ा था, फिर अल्लाह की बारगाह में आपका जो भी नेक मकसद है उसके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह आपको फतह नसीब होगी। अस्सलामु अलैकुम।